केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जहां जनता को लाभ हो रहा है, वहीं मंडी जिला की महिलाएं भी योजनाओं का लाभ लेकर स्वावलंबन अपना रही हैं। मंडी में SC/ST विकास निगम से महिलाएं कटिंग, टेलरिंग आदि का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना व्यवसाय कर रही हैं और साथ ही अन्य बेरोजगारों को घर द्वार पर रोजगार दे रही हैं। निगम की योजनाएं कामकाज करने वाली महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। मंडी जिला के सन्याड पंचायत निवासी नीलिमा देवी बताती हैं कि उन्होंने वर्ष 1998-99 में SC/ST विकास निगम से कटिंग, टेलरिंग का प्रशिक्षण हासिल किया। उसके बाद उन्होंने निगम से ही लोन लेकर सिलाई मशीनें खरीदी और अब वे एक सिलाई सेंटर चला रही हैं। नीलिमा ने सरकार और विभाग की इस प्रकार की योजनाओं का धन्यवाद किया, जिससे वे आज 4 लोगों को रोजगार देने वाली बनी हैं और इसे आगे एक व्यवसाय के रूप में बढ़ा रही हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 2021-22 वित्त वर्ष के लिए हमने 35 युवा युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान किया था और इस वर्ष 2022-23 के लिए 14 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण जो है वो सहायक प्रबंधक स्तरीय कार्यालय सरकाघाट से चल रहा है और इसी वित्त वर्ष में 30 प्रशिक्षणार्थियों के लिए हमने आवेदन 21 जनवरी तक मांगे हैं, जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, 21 जनवरी 2023 तक आप अपने आवेदन कार्यालय मंडी में जमा करवा सकते हैं और जिस भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप भाग लेना चाहते हों, जो भी ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।